तो लग रहा था कि हिंदुस्तान के ही मुसलमान मुझसे डरते हैं, अब समझ में आया कि पाकिस्तान के मुसलमान भी मेरे से डरते हैं। मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते थे कि टीवी हराम है, टेक्नोलॉजी हराम है, मोबाइल हराम है। तो आज मोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पर बैठ के ये अपने बयान देते हैं, तो अब कहाँ गया ये हराम? जिन महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बननी है, जिन महिलाओं को तकरीबन 67.2% जो वुमेन्स हैं वो यूसीसी को सपोर्ट कर रही हैं, और आई थिंक सो कि अभी इसकी रेशियो बढ़ भी सकती है, मतलब सपोर्ट करने की, यूसीसी को सपोर्ट करते हुए बहुत ज्यादा हमें वुमेन्स नजर आ रही हैं। क्या वजूहत है एक ऐसा लॉ पास किया गया और इसको सपोर्ट करने के लिए एकदम से इतनी रेशियो? देखिए, अभी ड्राफ्टिंग हुई नहीं है यूसीसी की, और अंबेडकर जी के जमाने से बहुत जमाने पहले ही आर्टिकल 44 में ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र हो गया था। अब बात आती है कि हिंदुस्तान में 67% महिलाओं ने यूसीसी के पक्ष में बात की है, सपोर्ट में बात की है। अब जाहिर सी बात है कि जिन जिन महिलाओं को भाई पॉलीगेमी का शिकार नहीं बनना है, जिन महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बननी है, जिन महिलाओं को हलाला का शिकार नहीं बनना है, जिन महिलाओं को अपनी इज्जत से, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत मोहब्बत है, वो यूसीसी का तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगी, बिल्कुल सपोर्ट करेंगी। कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूं, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूं, पर हम दोनों मुसलमान हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर 3 और महिलाएं हों और मेरा हस्बैंड 4 शरीरों से मजा ले रहा हो, या मेरा हलाला कर दिया जाए या आपका हलाला कर दिया जाए। तो हिंदुस्तान में जितनी भी पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं हैं, जितनी भी पढ़ी लिखी फैमिली है, जितनी भी वेल एडुकेटेड, वेल क्वालिफाइड फैमिली, मुस्लिम फैमिली है, वो सामने आए हैं और उन्होंने इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट किया है कि यूसीसी के द्वारा अगर महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को बंद कर दिया जाए तो इससे अच्छी बात तो बिल्कुल कोई हो ही नहीं सकती है। देखिए, हमने कई बार, मैंने इस बात को हमारे मिनिस्ट्री मीडिया में, इंडिया के मिनिस्ट्री मीडिया में कहा है कि जो मौलवी मुल्ला यूसीसी की विरोधिता में लुंगी उठा उठा करके नाच रहे हैं, क्या वो प्रॉपर शरिया लॉ पर ही चलना चाहते हैं? अगर प्रॉपर शरिया लॉ पर चलना चाहते हैं तो भाई, जब मुसलमान मर्द बलात्कार करता है तो जो शरिया लॉ बलात्कार मुसलमान मर्द को सजा देता है वो सजा तो नहीं देता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या के जितने भी यहाँ मुसलमान धर्म के ठेकेदार बैठे हैं? तलाक की सजा शरिया लॉ के हिसाब से या कुरान के हिसाब से जो मुकर्रर की गई है, क्योंकि कुरान कहता है तलाक अच्छी चीज नहीं है, जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क नहीं आती है, फरिश्ते नहीं आते हैं। तो जब जब इतनी सख्त सजा जना की, चोरी की, बेईमानी की, झूठ की, तलाक की, हलाला की, इन सारी चीजों की इतनी सख्त सजा जब शरिया लॉ में है और कुरान में है, तो उस हिसाब से तो वो लोग मानते नहीं है जो दाढ़ी टोपी वाले धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं। तो ऐसे जगहों पर मर्दों को, मुसलमान मर्दों को बचाने के लिए वो हिंदुस्तान के कानून में अपने आप को ट्विस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें रिहाई मिल जाती है, उसमें दो दो चार साल, 10 साल की सजा होती है, फिर आराम से जिंदगी सफल हो जाती है। तो क्यों सिर्फ मुसलमान महिलाओं को अत्याचार करने के लिए जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ पर चलेगा हिंदुस्तान? नहीं चलना चाहिए। और जब अंबेडकर जी ने ये बात साफ लफ्जों में बता दी थी कि संभावनाएं ऐसी बनानी चाहिए कि आर्टिकल 44 में जो कहा गया है कॉमन लॉ लाने के लिए, कि हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, तो उसी को पढ़ा लिखा मुसलमान और पढ़ी लिखी महिलाओं ने सपोर्ट किया है। मैम, हम एक बात नोट करते हैं यहाँ पर, मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते थे कि टीवी हराम है, टेक्नोलॉजी हराम है, मोबाइल हराम है। तो आज मोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पर बैठ के ये अपने बयान देते हैं, तो अब कहाँ गया ये हराम, अब कहाँ गई वो चीजें? देखिए, पूरे कुरान के 30 पारे में, अनम बहुत समझने वाली बात है और हर मुसलमानों को समझना चाहिए, हालांकि आपके पाकिस्तान में 10-12 लोगों ने मेरे अगेंस्ट में जुलूस भी निकाला था, ज्यादा लोग जुगाड़ भी नहीं पाया, मुझे तो लग रहा था कि हिंदुस्तान के ही मुसलमान मुझसे डरते हैं, अब समझ में आया कि पाकिस्तान के मुसलमान भी मेरे से डरते हैं।
कई लोगों ने काफी फेसबुक लाइव भी किया है मेरे अगेंस्ट में, मुझे गाली गलौज भी किया गया है आपके पाकिस्तान में, जिसके कुछ लिंक्स मेरे पास भी आए हैं। तो मुझे ये कहना है कि पूरे कुरान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे हाजी नहीं लिखा हुआ है ना, हाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आज मुसलमान जो है हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान के बारे में ही बात करती हूँ क्योंकि मुझे आपके पाकिस्तान का उतना पता नहीं है। तो आज मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं भैया, एक हज करके आते हैं, हाजी इकरामुल्ला, हाजी हफिजुर रहमान, हाजी रहमान, हाजी इमाम। अरे भाई ये क्या है, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भैया कि तुम अपने नाम के आगे हाजी लगा लो। तो देखिए, जब कुरान इतनी सारी चीजों की पाबंदी करता है तब इनका मुंह बंद हो जाता है अपने लिए, पर औरतों के लिए इनको बड़ा बड़ा शरिया लॉ करके ये नाचते रहते हैं। भाई 30 पारे ने, कुरान ने 30 पारे में जेंडर इक्वालिटी की बात कही है, कहीं पर भी औरत को पैर का जूता बनाने की बात नहीं कही है। तो ये जो अपने हाथों से इस्लामिक स्कॉलर ने एक शरिया और हदीस लिख दिया है, तो भाई हम तो अल्लाह की आसमानी किताब को मानेंगे ना, किसी इंसान की लिखी हुई किताब को तो हम नहीं मानेंगे। तो जितने भी मौलवी मुल्ला ये सब, देखिए अब देवबंद जमात के जो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, वो तो यहां तक कहते हैं कि औरत जो है वो खेत है, और 45 साल के बाद जब उनका पीरियड्स बंद हो जाता है तो वो फसल देना बंद कर देती हैं, उनकी खेती बंद हो जाती है, इसलिए मर्दों को दूसरे खेत में जाना पड़ता है। अब आप बताइए कि हम खेत हो गए, ये कौन सी बात हो गई। अब मैं आती हूं दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। देखिए हमेशा कहा जाता है निकाह देखो सुन्नत है, निकाह बहुत अच्छी चीज है, निकाह तो बिल्कुल सुन्ना है, लेकिन अरबिक का वर्ड सुना सुना करके, देखिए हमारे यहाँ 85% हिंदू है, हमारे हिंदुस्तान में 85% हिंदू है। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने कुरान की किताबें भी पढ़ी हैं, इसलिए वो तर्क कर पाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट और कन्फ्रंटेशन कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने धर्म को समझा है, उन्होंने कुरान की किताब को नहीं पढ़ी है, बामाइने क्यों पढ़ेंगे भाई। वकील जो होते हैं, जो या जो लेक्चरर होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत जगह जाकर के बातें करनी पड़ती है, पर हर किसी को पढ़ना पड़े ये तो जरूरी नहीं है। निकाह का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, एंजॉयमेंट ऑफ कपल। निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट एंजॉयमेंट ऑफ कपल, मतलब मजा लीजिए, दो लोग मिलकर के मजा लीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। तो हम क्या है भाई, तबेला है, गाय गोरू का तबेला है जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लोगे। हम क्या है, किसी 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 इस्लाम का और इकराम का खेत है जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुमने ले लिया है। ये तो एक तरीके से मुसलमान औरतों के लिए गाली है ना कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं। सही वर्ड जो शादी है, जैसे दुबई है, मक्का है, मदीना है, सऊदी अरबिया है, वो जवाज कहते हैं। जवाज का मतलब होता है शादी, जवाज का मतलब होता है कि हमने इस औरत को शादी में लिया। पर हिंदुस्तान में कोई भी जवाज नहीं बोलता है, सब निकाह 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 इसलिए ही करता रहता है, और अपनी बात पे भी स्ट्रिक इसलिए रहता है क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ औरतों से मजा लेना है, इन्होंने तो औरत को खेत बोल ही दिया है मुंह से, समझ रही हैं आप। तो ये रोजाना टीवी के चैनल पे बैठ जाते हैं मेकअप पॉलिश करके, सज सवर करके, ये हज भी जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं, ये हज भी जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, ये बड़े मजे से चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं, औरतों को गाली देते हैं, औरतों को चिल्ला करके बात करते हैं। तो ये कुरान ने कहा भाई, तुम चाहते हो कि औरत तुमको इमाम साहब बोले, मौलवी साहब बोले, और तुम तो साहब वाला कोई काम ही नहीं कर रहे हो। सबसे पहली चीज है कि इमाम और मौलवियों को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो उनको तो कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे ही पाप कर रहे हैं, वो ऐसे ही गुनाह कर रहे हैं। तो देखिए इनकी गलतियां खुद सामने आ रही हैं। ये बात तो मैं भी आपके एग्री करती हूँ कि कल तक हमारे सुनने में आता था, मैंने भी बड़ी जगह पे सुना है कि मौलवी मुल्ला अमाम ये सारे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हराम है, टीवी के सामने नहीं जानी चाहिए, औरतों मर्द हो इसका सब चीज़ों से बापर्दा रहना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। आज वही मौलवी उठ के माइक पकड़ के सामने आ जाते हैं और बयान देते हैं। अगर बयान देना है हमारे, तो अगर हम बात करें
तो मतलब शुरू से हम देखते हैं, हम इसराइल को कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो हम तो सारी टेक्नोलॉजी इसराइल की इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो सारा काम करते हैं जिसको हम कहते हैं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, और फिर हम अपने ऊपर करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम नहीं मानते, तो मतलब आंखें बंद करके कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन आंखें बंद कर ली, ये हिसाब है हमारा कि हम करते हैं लेकिन मानते किसी को भी नहीं है। देखिए अनम, मैं तो पाकिस्तान के बारे में अगर अभी बोलना शुरू करूंगी तो एक घंटा मेरा मुंह ही नहीं बंद होगा। आप जो आपके पाकिस्तान की सरकार जो आजाद कश्मीर करके चिल्लाता है, बेचारा वहां का आदमी भूखा मर रहा है, बेचारा वहां का आदमी कूड़ों के ढेर में पड़ा हुआ है, बेचारा वहां का आदमी को जो शुगर पेशेंट है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, गरीब आदमी को, बेचारे वहां के आदमी एक टाइम खाते हैं दो टाइम नहीं खाने की कश्मोकश में पड़े हुए हैं, जो ठेला रिक्शा वाले हैं जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, जो ठेला रिक्शा वाले हैं वो बेचारे अपने एक वक्त की रोटी प्रॉपर जो एक मील होता है जो एक खाना होता है वो नहीं ले पा रहे हैं कि कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या और बीवी बच्चों को खिलाएंगे क्या। आज भी देखिए जितने भी जो बहुत एडुकेटेड पाकिस्तान के लोग हैं वो उस वक्त को याद करते हैं जो आजादी से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, उस वक्त जो दौर दौरा था, उस वक्त जो खुशहाली थी, उस चीजों को वो आज भी याद करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान की दुर्दशा तो खराब है और इसको संभालने के लिए मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी इसको संभाल सकता है, मैं नहीं समझ सकती हूँ कि कोई भी संभाल सकता है। देखिए आज कल यही मुसलमान कहता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, और अहमदिया की मस्जिद आप किस तरीके से पाकिस्तान में तोड़ी जा रही है, कितने बुरे तरीके से तोड़ी जा रही है। वही अल्लाह का मानने वाला अहमदिया है, वही अल्लाह का मानने वाला शिया है, वही अल्लाह का मानने वाला यहूदी है, वही अल्लाह का मानने वाला वहाबी है, सबको काफिर करार दे दिया है, सबको काफिर करार दे दिया है। हालांकि हमारे कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि फिरका परस्ती हमारे हमारे कुरान में नहीं, फिरका परस्ती की कोई भी चीज नहीं हो सकती है। जो जो लोग कुरान मानते हैं वो अल्लाह की उम्मत में आते हैं। तो ये फिरका परस्ती बना करके ये वहाबियों को, शिया को, यहूदी को, ईसाई को, हर एक किसी को इन लोगों ने किस तरीके से फतवा जारी करके मस्जिदों पर हथौड़ा चलाना आपके पाकिस्तान में स्टार्ट किया है। मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में जन्म ली हूँ और यहाँ के कानून इतने खूबसूरत और इतने सख्त हैं कि फिर भी ये फड़फड़ाते कम है और जितनी भी इनकी गलतियां होती हैं वो बिल्कुल चर्चाएं आम पर आ जाती हैं। जितनी भी ये अपनी अपनी दिलेरी झाड़ने की कोशिश करते हैं ये बिल्कुल चर्चे में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी जुबान बंद हो जाती है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता है, बिल्कुल जवाब नहीं होता है। जब भी ये किसी तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हम तो भाई साफ पूछ लेते हैं ना कि हम अल्लाह माने कि मुल्ला माने, हम कुरान माने कि हदीस माने, आप ही बता दीजिए भैया। तो ये तो कश्मोकश में आ जाते हैं कि भाई हम कुरान को कैसे गलत बोल दें नाउजु बिल्ला, हम अल्लाह को कैसे गलत बोल दें नाउजु बिल्ला, ये तो कश्मोकश में आ जाते हैं और इस कश्मोकश में इनका जो बोलपट्टा है वो खुल जाता है क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बात करते हैं, पर आपके पाकिस्तान में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है नहीं, आपके यहाँ तो ताला लगा हुआ है, आपको बहुत सारी चीजें छुपा करके बात करनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी चीजें दब करके बात करनी पड़ती हैं। हमारे हिंदुस्तान में इतना लिबरल माहौल है कि लड़कियां बिल्कुल बेबाक होकर के अपनी अपनी काबिलियत को दिखा सकती हैं, लेकिन आपके पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। आप जानती हैं कि ये चीज गलत हो रही है लेकिन फिर भी आप नहीं बोल पाती हैं, और हम जहां जहां पर जानते हैं कि ये चीज गलत हो रही है हम आराम से बोलते हैं। बिल्कुल सही मैम, इसी हवाले से जैसे आपने फ्रीडम की बात की तो मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहती हूँ माइनॉरिटी वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन माइनॉरिटी से रिलेटेड अगर हम बात करें हिंदुस्तान में ज्यादा जैसे हिंदू मेजोरिटी फर्स्ट है नेशन की तो सेकंड है मुस्लिम आते हैं, अब बाकी भी मजहब है लेकिन हम मुस्लिम की अगर बात करूँ जैसे आप भी मुस्लिम हैं तो हम लोगों ने अक्सर उपाय देखा है कि जितने भी हम जर्नलिस्ट से बात करते हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है पाकिस्तान में रह के हिंदुस्तानी लोगों से तो कभी भी उनको एंटी नेशनल नहीं देखा, हमेशा उन्हें हिंदुस्तान 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 करते हुए देखा है, जबकि हम भी यहाँ बैठ के पाकिस्तान की गलतियों को भी पॉइंट आउट करवाते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी बताते हैं या फिर काफी चीजों को हम पॉइंट आउट करवा लेते हैं, बट हिंदुस्तान के अंदर कभी भी हमने एंटी नेशनल नहीं देखा। क्या वजूहत है, फ्रीडम नहीं है या फिर क्या हिंदुस्तान आज परफेक्ट है जिसकी वजह से आज माइनॉरिटी की जो वुमेन्स है उनके पास इतनी एम्पावरमेंट है?
देखिए महिलाओं के एम्पावरमेंट की अगर बात किया जाए तो इतिहास के पन्नों को उठा लीजिए, झांसी की रानी, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देवियों की पूजा होती है, सबसे ज्यादा। तो यहां से ही आप वुमेन एम्पावरमेंट देख लीजिए। और देखिए सनातनी सनातनी जो धर्म है ना, हिंदू का जो धर्म है ना, उसमें बचपन से माँ की कोख से ही महिलाओं को इज्जत रिस्पेक्ट दिया जाता है। बचपन से सनातनी भाई बहन जो हमारे हैं वो बचपन से ही देखते हैं कि भाई देवियों की पूजा हो रही है, उनके चरणों देवियों के चरणों पे फूल समर्पित किया जा रहा है। तो जो लड़का बचपन से देख रहा है कि भाई देवियों के चरणों पर फूल समर्पित करना है, तो उनके दिल में तो ये महिलाओं के लिए सम्मान तो होगा ही होगा ना, हर हाल में होगा ना होगा। अब हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में हम क्या देखते हैं कि भाई अब्बू अब्बू आ गए हैं तो अब चुप रहना है, भैया भाईजान आ गए हैं तो अब चुप रहना है, अब अब्बू ने कह दिया है कि रात में 10 के बाद बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। तो मर्दों को बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल दिखाया गया है। तो हमारे यहाँ तो मेल को ही ज्यादा फैसिलिटीज और हर चीजों में मेल को ही सर्वप्रथम रखा गया है। और सनातन धर्म में देवियों की पूजा को दिखाया गया है, देवियां दिखाई गई हैं, तो महिलाओं को रिस्पेक्ट करना तो वो माँ की कोख से सीख कर पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पर महिलाओं का सम्मान बहुत ज्यादा है। अब आती है आपकी दूसरी बात, ये आप हिंदुस्तान में जब भी किसी हिंदुस्तानी से बात करती हैं तो आपको वो प्रो हिंदुस्तानी क्यों दिखते हैं? इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमें अपनी भूमि से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। जिस तरह से, जिस पेट से, जिस कोख से हम पैदा होते हैं, उस माँ को हम इज्जत देते हैं ना। कुरान कहता है ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उसी तरीके से इस भारत की मिट्टी को हम अपनी माँ समझते हैं। तो जब माँ समझ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको इज्जत देंगे ना, हम तो उसको अपने कलेजे से लगा के रखेंगे ना। मैम, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपने कहा है कि हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हम उसको प्यार करते हैं, इसलिए हम एंटी नेशनल नहीं होते। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जिस जो चीज गलत होती है, अब हम आंखें बंद करके उसको गलत को गलत नहीं, सही तो नहीं कह सकते ना, गलत को गलत कहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी, मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुस्तान के अंदर बुराइयां हैं या बुराइयां जो होते हर एक कंट्री के अंदर होता है, अगर हिंदुस्तान के अंदर बुराइयां हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो क्या प्रो नेशनल रहना जरूरी है? क्या उसको पॉइंट आउट नहीं करवा सकते? लेकिन आज तक जितने भी मुझे 2 ईयर्स हो गए हैं देखते हुए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा। नहीं है ना, एकदम एकदम गलत बात है। मैं इसमें आपको करेक्शन करना जरूर चाहूंगी। देखिए, एक बहुत भयंकर सिचुएशन आया था। शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, कांग्रेस का जमाना था। निर्भया बोल करके एक लड़की का बलात्कार हुआ था, और बहुत ही हीनियस, बहुत ही, मतलब मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगी। और पूरा हिंदुस्तान उस वक्त सरकार के खिलाफ था, पूरा अच्छा हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ था। हम सब ने सरकार के खिलाफ बात की है। वेस्ट बंगाल में 2 मुसलमान लड़कों ने एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया। जिस स्टेट में मैं रहती हूँ उस सरकार के खिलाफ मैंने बोला, और सबसे ज्यादा, और आज तक बोल रही हूँ, और अभी आपके सामने भी बोल रही हूँ। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर हमें बोलना पड़ता है, हम जरूर बोलते हैं, हर हाल में बोलते हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता है कि हम ना बोले, कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ के संविधान में हमें यह अनुमति दी गई है कि हम गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखें और सही को सही बोलने की हिम्मत रखें। अब मोदी जी को अगर फ्रांस में, लंदन में, मॉरिशियस में, स्विट्जरलैंड में, अबू धाबी में, शारजा में, दुबई में, सऊदी अरबिया में अगर इज्जत मिल रही है, और जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो उसको तो हम ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकते ना। वो तो सच है, जो सच है वो सच है। हमारा जीडीपी 7.2% पे है, ये तो सच है ना। इकोनॉमिकली हमने बहुत ग्रोथ किया है, ये तो सच है ना। हमारा चंद्रयान 3 हुआ, ये तो सच है ना।
तो जो योजनाएं योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में आई है वो तो सच है ना, जो स्टेट भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है वो स्टेट बहुत तरक्की कर रहा है, वो स्टेट बहुत आगे बढ़ रहा है, वहां पर महिलाएं बहुत सेफ है, तो ये तो आंकड़ा बता रहा है ना, ये तो डेटा बता रहा है ना, ये तो सच है, इसको तो हम झूठ नहीं बोल सकते। तो जो चीजें सच है वो सच है, लेकिन जो चीजें गलत है हम बोलते हैं, हम आगे आकर बोलते हैं, बिल्कुल आकर बोलते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे ऊपर, हम इस चीज से नहीं डरते हैं कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा या हमारे ऊपर, हमारे अगेंस्ट में कोई कार्रवाई हो जाएगी, हो जाएगी तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, होनी है तो होनी है, उससे निकलेंगे बाहर, लेकिन सच को बोलेंगे, सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे हम, और जो तरक्की हो रही है उसमें भी सच बोलेंगे। बिल्कुल मैम, ये बात आपने क्लियर की और मुझे काफी चीजें इसमें क्लियर हो गई। शायद मेरे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं जिनके डिमांड पर ये क्वेश्चन मैंने किया है तो शायद उनको भी क्लियर हो गया होगा। आखिरी एक छोटा सा सवाल है मैम, एक लड़की जिसका नाम आयशा, जो कि क्रिकेटर प्लेयर रही है, मैं कह सकती हूँ नेशनल प्लेयर रही है और पाकिस्तान फीमेल क्रिकेटर है, अभी अगर हम उसकी बात करें 18 साल वो लाइव आई है, 18 साल जब 15 की एज में जब वो आना स्टार्ट हुई थी लाइव क्रिकेट में, तो उसमें इतना टैलेंट था कि लोग कहते थे आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी स्टार बनेगी, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन 18 ईयर जब वो लाइव आई, उसके बाद उसकी शादी तय हो गई, आगे से हम देखते हैं कि साल में या फिर जो भी कुछ हुआ उसके बाद उसने लाइव आना बंद कर दिया, उसने कहा मैं रिटायरमेंट लेती हूँ और अब मैं इस्लाम के मुताबिक जीऊंगी, क्या वो जो हाथ है उसको 18 साल ये चीज याद नहीं आई कि मैंने 18 साल पहले भी इस्लाम के मुताबिक रहना था, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इस तरह से रहना था, 18 साल बाद उसको याद आया जब उसकी शादी होने लगी, उसने कहा कि मैं इस्लाम के मुताबिक रहूंगी, इसमें हम क्या देखते हैं, कौन सा फैक्टर हमें नजर आता है, क्या शादी होने लगी, क्या आगे जिस घर में जाना था उधर की पाबंदियां उसे याद आ गई जब उसने इस्लाम कंसीडर कर लिया, क्या वजूहत है? आपने थोड़ी सी बात को छुपा दिया है, या आपको, या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको उसकी बराबरी शाहिद अफरीदी से की जा रही थी, लोग उसको बार बार मिला रहे थे कि ये शाहिद अफरीदी की डोपलगैंगर है, ये लेडी शाहिद अफरीदी है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मर्दों को ईगो में धक्का लग गया, और ईगो में जैसे ही धक्का लगा कि भाई मर्द में मिला दिया गया, एक औरत मर्द के बराबर हो गई, तो वैसे ही उसको ट्रोल करना स्टार्ट किया गया। और ये बेचारी आयशा नसीम कोई पहली विक्टिम नहीं है आपके पाकिस्तान में, इससे पहले आपका एक अब्दुल्ला कुरैशी था, उसको ट्रोल किया गया था, वो बेचारा अपना काम धाम छोड़ दिया, अपनी कला को छोड़ दिया। उसके बाद रवि पीरजादा, उसको तो बहुत बुरी तरीके से, वो सिंगर थी, उसको तो बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान में ट्रोल किया गया था, उसके प्राइवेट वीडियोस को वायरल करवाया गया था, उसके आसपास जो लोग दोस्त बन करके बैठे रहते थे उन लोगों ने उसके वीडियोस को वायरल किए और तब बेचारी ने छोड़ दिया। नूर बुखारी, उसको बहुत सोशल साइट पर उसको बहुत ट्रोल किया गया, वो बेचारी पीछे हटी। जुनैद जमशेद बेचारा, वो भी पीछे हट गया क्योंकि उसको भी बहुत ट्रोल किया गया।